रामगढ़ कस्बे के दिल्ली रोड स्थित भाजपा कार्यालय पर रविवार को मंडल अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद मिश्रा के नेतृत्व में कार्य समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिला प्रवक्ता नरेश धानावत, भाजपा नेता जय आहूजा, पूर्व जिला अध्यक्ष इंद्रजीत सिंह पाटा व पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। जिला प्रवक्ता नरेश धानावत ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा पार्टी एक परिवार है और हम सब परिवार के सदस्य हैं, इसलिए हमको मिलजुल कर केंद्र सरकार व राज्य सरकार की योजनाओं को आम जनता तक पहुंचाकर उनका लाभ दिलाना यह प्रत्येक पदाधिकारी में बूथ लेवल के कार्यकर्ता की जिम्मेदारी है। साथ ही स्वतंत्रता दिवस पर अधिक से अधिक पेड़ लगाएं और हर घर तिरंगा झंडा लगाएं, जिससे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना साकार हो सके। भाजपा नेता जय आहूजा ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि रामगढ़ विधानसभा में हमें तिरंगा रैली को सफल बनाना है, साथ ही विधानसभा में चौराहे पर लगी सभी महापुरुषों की प्रतिमाओं को साफ सफाई कर उन पर 14 अगस्त को माल्यार्पण करना है। आज 11 अगस्त को हमारे विधानसभा क्षेत्र के 3 मंडलों में मंडल कार्यकारिणी की बैठक है, जिसमें से अभी रामगढ़ की बैठक समापन हुआ है। कुछ कार्यक्रम पार्टी ने तय किए हैं, जैसे हर घर तिरंगा पहुंचाना और लोगों में देश प्रेम का भाव जगाना, हर विधानसभा क्षेत्र में बड़ी बड़ी तिरंगा रैली आयोजित करना और साथ ही एक पेड़ माँ के नाम अभियान को गति देना, जिससे हम वन और पर्यावरण का संरक्षण कर पाए और हमारे वाटर लेवल को मेंटेन कर पाए और भविष्य के लिए हमारी संतानों को बहुत अच्छा पारिस्थितिकी तंत्र दे पाए, इकोसिस्टम दे पाए। इसके अलावा जितने भी हमारे क्षेत्र में वीरों की मूर्तियां हैं या महापुरुषों की मूर्तियां हैं, उन सभी मूर्तियों की साफ सफाई करना और 14 अगस्त और 15 अगस्त को उनका माल्यार्पण करना, इस उद्देश्य के साथ आज की बैठक संपन्न हुई। इतनी वर्षा होने के बाद भी दूर दराज से, गांव देहात से सभी हमारे माननीय बूथ अध्यक्ष और प्रमुख कार्यकर्ता इस कार्यक्रम में आए हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी परिवार रामगढ़ की ओर से सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और आभार देना चाहता हूँ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारे छोटे भाई जिला प्रवक्ता नरेश धानावत जी रहे, माननीय इंद्रजीत सिंह जी पाटा साथ में रहे, पूर्व जिला अध्यक्ष और अध्यक्षता माननीय मंडल अध्यक्ष राजेंद्र